भारत विश्व के मानचित्र पटल पर तेजी से उभरती एक ऐसी शक्ति जिसे पूरी दुनिया आज आशा भरी नजरों से देख रही है। माननीय के एन गोविंदाचार्य जी ने एक परिकल्पना तैयार की और उसका नाम दिया भारत विकास संगम, एक ऐसा मंच जहां देश भर के अनेक समाज सेवी संगठन और समाज सेवी एकत्र होकर अपने अनुभव बांटे और एकजुट होकर देश के विकास को सही दिशा दें। और भारत विकास संगम का पहला सम्मेलन 20 नवंबर 2004 को वाराणसी में आयोजित किया गया। भारत विकास संगम का दूसरा सम्मेलन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक स्थान पर हुआ। पिछले सम्मेलन की तुलना में आए प्रतिनिधियों की संख्या अधिक थी। यहां देश भर के 90 छोटे बड़े संगठनों के करीब 550 लोग शामिल हुए, जहां आपसी संवाद, सहमति और सहकार का माहौल तैयार हुआ। श्री गोविंदाचार्य जी ने यहां आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार, संस्था और समाज में पारस्परिकता की भावना से ही सर्वजन सुखी होगा और भारत विकास संगम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि ये सब बातें केवल किताबी होकर न रह जाएं। लोगों को अपनी धारणाओं पर विश्वास दिलाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कुछ प्रकल्पों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना पड़ेगा। चुनार सम्मेलन के दौरान ही यह तय किया गया कि भारत विकास संगम का तीसरा सम्मेलन दिसंबर 2010 को कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में आयोजित किया जाए और इसके लिए श्री कोत्तल बसवेश्वर भारतीय शिक्षण समिति और हैदराबाद कर्नाटक अभिवृद्धि विभाग जैसी दक्षिण भारत की यशस्वी संस्थाओं के संस्थापक श्री बसवराज पाटिल भारत विकास संगम के राष्ट्रीय संयोजक बने। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य का एक ऐसा खूबसूरत जिला जहां सामाजिक सहभागिता से विकास के अद्भुत कार्य किए गए हैं। श्री कोत्तल बसवेश्वर भारतीय शिक्षण समिति और इसी की दूसरी संस्था हैदराबाद कर्नाटक अभिवृद्धि विभाग ने पूरे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के 5 जिले कोप्पल, बीदर, रायचूर, गुलबर्गा और यादगिरी में सरकार की तरह 26 विभाग बनाकर पिछले 6 वर्षों में अनेक प्रेरणादायी कार्य किए हैं, जहां समाज आगे और सत्ता पीछे के स्पष्ट दर्शन होते हैं और पूरे देश को इस कार्य से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से भारत विकास संगम का तीसरा सम्मेलन गुलबर्गा में आयोजित किया गया। चूंकि गुलबर्गा का नाम पहले कलबुर्गी था, इसलिए भारत विकास संगम के तीसरे सम्मेलन का नाम कलबुर्गी कंपू रखा गया। कन्नड़ भाषा में इस शब्द का अर्थ है गुलबर्गा की सुगंध। गुलबर्गा के विकास की सुगंध बिखेरते इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि जड़ों से कटकर किया गया विकास बेमानी होता है। श्री बसवराज पाटिल ने कलबुर्गी कंपू की जिम्मेदारी संभालने के बाद अधिक से अधिक सज्जन शक्तियों को एकजुट करने के उद्देश्य से देश भर का व्यापक दौरा किया। उनके अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप देश के सभी प्रमुख शहरों में भारत विकास संगम के केंद्र स्थापित हो चुके हैं। ये श्री बसवराज पाटिल जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि इस 10 दिवसीय कलबुर्गी कंपू में 1000 संगठनों से जुड़े करीब 13 लाख प्रतिनिधि शामिल हुए। ये भारत विकास संगम का सम्मेलन नहीं है, बल्कि एक कुंभ है जहां देश भर से बहुत से लोग आकर एक दूसरे के विचारों की गंगा में गोते लगाकर लाभान्वित होते हैं। 23 दिसंबर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक इस 10 दिवसीय सम्मेलन की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें मनुष्य की उम्र की हर अवस्था के हिसाब से कार्यक्रम तय किए गए। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को एक निश्चित विषय वस्तु और शीर्षक के साथ नियोजित किया गया। जैसे पहले दिन विकास प्रदर्शनी, दूसरे दिन मातृशक्ति संगम, तीसरे दिन ज्ञान शक्ति संगम, चौथे दिन युवा शक्ति संगम, पांचवें दिन उद्योग शक्ति संगम, छठे दिन आरोग्य शक्ति संगम, सातवें दिन ग्राम एवं कृषि शक्ति संगम, आठवें दिन धर्म शक्ति संगम, नौवें दिन सेवा शक्ति संगम और 10वें दिन भारत कुंभ।
पहला दिन 23 दिसंबर को बच्चों ने पूरे गुलबर्गा शहर में शोभा यात्रा निकालकर इसका उद्घाटन किया, जिसमें करीब 56,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद कलबुर्गी कंपू का शुभारंभ एक विस्तृत प्रदर्शनी के साथ किया गया, जिसमें पूज्य श्री 1008 श्री सुयतिंद्र तीर्थ, श्री पादांग वरु, श्री विश्वेश्वर हेगड़े, मदन गोपाल एवं श्री महेश जोशी आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में 500 से अधिक झांकियां रहीं। इनमें श्री कोत्तल बसवेश्वर भारतीय शिक्षण समिति और हैदराबाद कर्नाटक अभिवृद्धि विभाग के कार्यों के साथ साथ उन तमाम संगठनों के कार्यों की झलक देखने को मिली, जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान देते हुए प्रेरणादायी कार्य किए। इस विशाल प्रदर्शनी में जैविक खेती, स्वदेशी चिकित्सा की देशी पद्धतियां और कम पूंजी कम लागत के उद्योगों जैसे तमाम उपयोगी विषयों को छुआ गया। ये सभी जानकारियां कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं में उपलब्ध रही। प्रदर्शनी के साथ 500 स्टॉल्स का भी उद्घाटन किया गया, जो अंतिम दिन तक कार्यरत रहे। संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और साथ ही जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। दूसरा दिन 24 दिसंबर की सुबह मंगल वाद्य से मातृशक्ति संगम तथा शिशु संगम का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूज्य श्री शिव कुमार स्वामी जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक माननीय के एस सुदर्शन और श्री बसवराज पाटिल आदि गणमान्य व्यक्तियों सहित अनेक माताओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों ने भाग लिया। भावी पीढ़ी के निर्माण में माताओं की भूमिका से सभी भलीभांति परिचित हैं। कहावत है कि एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। इस संगम का मुख्य उद्देश्य माताओं को समाज निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराना था। सम्मेलन में घोर उपभोक्तावाद के खिलाफ माताओं को मानसिक रूप से तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दिन एक विशेष भोज वात्सल्य भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें गुलबर्गा की माताएं अपने घरों से भोजन बनाकर लाईं और सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों को उसी मातृत्व से भोजन कराया जैसे वे अपने बच्चों को कराती हैं। कलबुर्गी कंपू में आए सभी प्रतिनिधियों के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। सायंकालीन सत्र में देश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के अनुभव अमृत वचनों के रूप में प्रतिनिधियों ने ग्रहण किए और साथ ही महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति में विश्व प्रसिद्ध जादूगर श्री कुद्रोली गणेश द्वारा जादू की कला का प्रदर्शन हुआ। तीसरा दिन 25 दिसंबर का दिन ज्ञान शक्ति संगम का दिन था, जिसमें कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हजारों लोगों के साथ भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस संगम का मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा का महत्व बताकर एक मजबूत भारत के लिए मजबूत नींव का निर्माण करना था। आज के सुशिक्षित बच्चे ही कल का सुंदर भारत निर्मित करेंगे। आज के स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसकी पीढ़ी भाषाहीनता की शिकार है। अपने बच्चों के पास कोई भाषा ही नहीं, न हिंदी है, न अंग्रेजी है और न ही संस्कृत। ऐसे में हमारा शिक्षकों का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम नई पीढ़ी को भाषा का मजबूत आधार दें।
अध्यापक बच्चों को शब्द से अर्थ की ओर न ले जाकर अर्थ से शब्द की तरफ ले जाएं, तो बच्चों में कभी भी हीन भावना पैदा नहीं होगी। इस मौके पर भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बच्चों को अपने अनुभवों से परिचित कराया और बच्चों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। What is your vision on farmers, the backbone of our country? When we see all the people, science has to contribute for the farming, technology has to contribute for the farming. So I saw recently one state, the productivity of the farmers have increased because the farmers and political system, they are working together. They gave a farmer's grid electricity. All the farm bonds have been desilted and water made is available and the productivity has improved double. इसी सत्र में अनेक गणमान्य व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ सभी ने उठाया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही वंदे मातरम फाउंडेशन आंध्र प्रदेश के सांस्कृतिक दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन कर इस दिन का समापन किया। चौथा दिन 26 दिसंबर युवा शक्ति संगम का दिन रहा, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ देश भर से आए स्नातक और इससे भी ऊपर के हजारों छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्र निर्माण में सजग और सक्रिय युवक ही एक मजबूत समाज को निर्मित करेगा और यही इस विचार विमर्श का मुख्य उद्देश्य था। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार और कुशासन का जो सर्वव्यापी अंधकार फैला है, उसे आज का जागरूक युवा ही सूरज बनकर मिटा सकता है और मंच पर आकर हमारे युवाओं के ऐसे कई प्रेरणादायी युवकों से मिलने का मौका मिला जो सार्थक समाज के निर्माण में बड़ी तल्लीनता से लगे हैं। आज का युवा काफी जागरूक है, बस उसे आवश्यकता है सही दिशा की, जिसे देने का बीड़ा भारत विकास संगम ने उठाया है। युवा शक्ति संगम के इस सत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा सूत्र अनेक अनुभवी व्यक्तियों ने अपने अनुभव सुनाए। You know, युवा is the middle point between the success and failure. अनुभव वचनों के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन केरल की विश्व प्रसिद्ध युद्ध कला कलरी पयट्टू के प्रदर्शन के साथ हुआ। पांचवा दिन उद्योग शक्ति संगम, जिसमें हजारों लघु तथा गृह उद्यमी बंधुओं के अलावा प्रसिद्ध स्वदेशी प्रयोगकर्ता एवं उद्यमी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस संगम के अंतर्गत उन तरीकों की खोज पर विचार किया गया जिनको अपनाने से गृह उद्योगों और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और स्वरोजगार के अवसर पैदा होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने यहाँ मौजूद संसाधनों का सही उपयोग करें और गृह उद्योगों को बढ़ावा दें। महात्मा गांधी ने भी खादी की शक्ति का उपयोग कर अपराजित अंग्रेज सरकार को खदेड़ दिया। इसलिए हमें अपने रास्ते चलना होगा। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। नकल करने से काम नहीं चलता। अपने साधन, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपना परिश्रम, यही हमारी उन्नति का रास्ता होगा। आज भी हमें जरूरत है अपने संसाधनों पर भरोसा करने की, वरना देश में बढ़ती मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। दूसरे सत्र में अनुभवी लोगों के अनुभव वचनों का लाभ प्रतिनिधियों ने लिया। इसके पश्चात इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया, जिससे हमारी युवा पीढ़ी का हौसला बढ़े और एक बार फिर हम गुलाम बनने से बच जाएं। इस मौके पर जागो भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। छठा दिन 28 दिसंबर का दिन था आरोग्य शक्ति संगम का दिन, जिसमें योग, आयुर्वेद, यूनानी,
होम्योपैथी, एलोपैथी, सिद्ध चिकित्सा पद्धति से जुड़े हजारों लोगों के साथ इन क्षेत्रों से जुड़े अनेक दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस दिन जोर दिया गया कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अपना नजरिया बदलें और देशी इलाज की पद्धतियों को अपनाएं। हर व्यक्ति को रोग के इलाज की बजाय रोग की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस संगम के माध्यम से लोगों को याद दिलाया गया कि भारतीय घरों की रसोई किसी दवाई घर से कम नहीं है। छोटी मोटी बीमारी की सूरत में लोगों के डॉक्टर के पास जाने के बजाय रसोई घर की तरफ रुख करना चाहिए। पश्चिम में घरेलू उपचार की कमी के चलते वहां के लोग एलोपैथी अपनाने के लिए विवश हैं, लेकिन हम इस मामले में धनी होते हुए भी पश्चिम की नकल करने पर तुले हैं, जो हमारी नासमझी ही उजागर करती है। घरेलू उपचार के साथ साथ कार्यक्रम में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि के उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई। बाद में देशी उपचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। सातवां दिन 29 दिसंबर का दिन ग्राम और कृषि शक्ति संगम का रहा, जिसमें श्री अन्ना हजारे, श्री के एन गोविंदाचार्य आदि गणमान्य व्यक्तियों सहित हजारों किसानों और ग्रामीणों ने भाग लेकर लाभ उठाया। इस दिन मेरा जिला मेरी दुनिया का नारा गूंज उठा। उद्देश्य था अपने कृषि के संसाधनों को सुदृढ़ बनाना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में करीब 127 प्रकार के इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। सभी की अपनी अपनी शक्ति तथा अपनी अपनी कमजोरी है। सम्मेलन में बताया गया कि प्रत्येक इलाके के लिए अलग अलग नीति अपनानी होगी। पश्चिम की अंधी नकल से काम नहीं चलेगा। प्रतिभागियों को मवेशी, मिट्टी, पानी आदि के बेहतर उपयोग के तरीकों के बारे में अवगत कराया गया। सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ग्रामीण भारत में लोग मशीन आधारित जीवन शैली की बजाय गांव आधारित जीवन शैली अपनाएं। सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचारों में गांव के प्रति दृष्टिकोण बदलने पर जोर दिया, ताकि गांव से पलायन रोका जा सके। साथ ही कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। सभा का समापन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा किया गया। आठवां दिन 30 दिसंबर धर्म शक्ति संगम के लिए निर्धारित था। परम पूज्य योग गुरु श्रद्धेय रामदेव बाबा के योग सत्र से सुबह 5:30 बजे से इस सभा का शुभारंभ हुआ। बाद में 9:30 बजे अपने प्रवचन से उन्होंने सबको लाभान्वित किया, जिसमें अनेक धर्माचार्यों के अलावा सार्वजनिक लोगों ने भाग लिया। देश, धर्म और संस्कृति के अंतर संबंध को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि समाज समृद्धि और संस्कृति के बीच तालमेल बिठा सके, यही इस दिन के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। आध्यात्मिक विकास के बिना देश का संतुलित विकास नहीं हो सकता। धर्म राष्ट्रीय विकास की धुरी है। सम्मेलन में आए सभी धर्म गुरुओं का यही मत था कि जीवन में नैतिक और धार्मिक रहकर ही हम सच्चा विकास पा सकते हैं। इस अवसर पर अनेक धर्म गुरुओं के अमृत वचनों का लाभ उठाया प्रतिभागियों ने। इस अवसर पर धर्म के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। नौवां दिन 31 दिसंबर सेवा शक्ति संगम का दिन, जिसमें विविध स्वयंसेवी संस्थाओं के अनेक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेवा के क्षेत्र से जुड़े लगभग 5,000 सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। साझा मंच पर अपने अनुभवों का आदान प्रदान करके जहां उनकी समझ बढ़ी, वहीं उनके भीतर का आत्मविश्वास भी बढ़ा। वे उन मुद्दों पर स्वयं को केंद्रित कर सके जहां उनकी अधिक आवश्यकता थी। गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचारों के आदान प्रदान में समिति के साधनों को साझा करने पर जोर दिया। इस अवसर पर देश भर से आए अनेक समाज सेवियों को सम्मानित किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस दिन का समापन हो। अंतिम दिन भारत कुंभ का दिन 1 जनवरी सन 2011। कलबुर्गी कंपू के इस दिन सभी अतिथिगण और प्रतिभागियों ने शपथ ली कि वे देश के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण तन्मयता से कार्य करेंगे। आज देश का एक बहुत बड़ा तबका ये मानने लगा है कि विकास का मौजूदा मॉडल लंबा नहीं चलेगा। पिछले 200-300 वर्षों में इस मॉडल ने मनुष्य को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अब आवश्यकता है विकास के एक ऐसे मॉडल की जिसमें जल, जमीन, जंगल, जन, जानवर और जबान सभी के हित की बात हो, और भारत विकास संगम इसी मॉडल को लेकर भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। तो आइए हम अपने संपूर्ण भारत के विकास का संकल्प करें। 2010 भारत विकास संगम 3 प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत माता की प्रकृति केंद्रित जीवन पद्धति, मेरा जिला मेरा विश्व समग्र विकास के लिए वचनबद्ध हूँ। भारत माता की जय। इस दिन निवासी भारतीयों के साथ साथ अनिवासी भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया। भारत विकास संगम के संरक्षक श्रद्धेय श्री गोविंदाचार्य जी के विचारों ने उपस्थित सभी जनों को ऊर्जा से भर दिया। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यही अपना मंत्र है। इस अवसर पर सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ने सबको आशीर्वचन दिए। भारत विकास संगम के इस महाकुंभ का समापन लय लहरी नामक संगीतमय कार्यक्रम के अपूर्व प्रदर्शन के साथ हुआ। भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। भारत भक्तो भारत फिरते वैभव पाय परम। भारत भक्तो भारत फिरते वैभव पाय परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।